आइए अब हम लोग क्या करेंगे, ऑक्टल से डेसिमल में कन्वर्जन करेंगे। अब हमारा क्या ये चौथा टाइप है। पहला टाइप हमने क्या देखा था, डेसिमल टू बाइनरी। दूसरा क्या था, बाइनरी टू डेसिमल। तीसरा क्या था, डेसिमल टू ऑक्टल। और चौथा क्या है, ऑक्टल टू डेसिमल। ऑक्टल टू डेसिमल एकदम आसान है, एकदम आसान है। कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना, सिर्फ थोड़ा सा हमें सोचना है और तुरंत हमारा आंसर होगा। पता है ये सारे जो क्वेश्चंस होते हैं हमारे ना, यहाँ पे क्या होता है, ज़्यादा हमें दिमाग नहीं खर्च करना होता, सिर्फ थोड़ा सा एक बार हमें कोशिश करना, एक बार रिमाइंड करना और सारे आंसर हमें मिल जाएंगे। जैसे मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ, एग्जाम्पल लेता हूँ। अब क्या होगा, बेस क्या होगा उसका, ऑक्टल का बेस क्या होगा, वो 8 होगा। ठीक है, जैसे मैंने ले लिया, आपको मान लेता है कोई आसान सा नंबर मैं लेता हूँ, 17 ले लेता हूँ। बेस 8 है, किसमें कन्वर्ट करना है, डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो डेसिमल का बेस कितना होगा, 10 होगा। अब बताइए आप हमें, जब आप बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट कर रहे थे थोड़ी देर पहले, जब बताया था मैंने आपको पिछले क्लास में, कि वहां पे क्या था कि हम लोग क्या कर रहे थे, 8 की पावर को इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या कर रहे थे, इधर मल्टीप्लाई करके ऐड कर रहे थे। 8 की पावर को मीन्स यहाँ पे, वहां पे 2 था, मतलब क्या था, वहां पे बाइनरी था तो यहाँ पे इसलिए 2 था, यहाँ पे 8 है, तो 8 की पावर को हम लोग क्या करेंगे, बढ़ाएंगे और ऐड करेंगे। जैसे 17 है हमारे पास, तो क्या करेंगे इसको, क्या करेंगे 7 से मल्टी, 8 की पावर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 7 का, और इसका करेंगे ऐड करेंगे 8 की पावर 1, तो हमारा टोटल कितना हो जाएगा, इसको आपस में प्लस कर देंगे। 8 की पावर 0 जो होता है वो क्या होता है, बताया था मैंने आपसे कि 1 होता है किसी के पावर 0 है, तो इंटू 7 हो जाएगा, प्लस हमारा क्या है यहाँ पे 8 की पावर 1 8 होता है, इंटू 1 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ये हमारा हो गया 8 और प्लस क्या हो गया 7 इज इक्वल टू हो जाएगा, 8 और 7 क्या होता है 40, सॉरी 15 होता है, 15 होता है। बेस कितना होगा इसका, 10 होगा। ये तो समझ में आ गया होगा, बड़ा आसान नंबर मैंने लिया था ताकि आप लोग समझ पाए, कुछ नहीं करना है, जितना बेस होगा उसकी पावर को क्या करना है, 0 1 2 3 ऐसे करके प्रोसीड करना है। ये बात समझ में आई। आइए ऐसे ही एक और क्वेश्चन देखते हैं, इसको मैं मिटाता हूँ, एक और क्वेश्चन में ऐसे ही देखते हैं हम लोग, एकदम आसान है, कुछ नहीं करना, सिर्फ तो सबको दिमाग खर्च करना है। 345 लेते हैं, 345 बेस है इसका 8, और कन्वर्ट किस में करना है, कन्वर्ट करना है डेसिमल में कन्वर्ट करना है, जिसका बेस क्या होगा, 10 होगा। ठीक है, तो 345 है तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कुछ नहीं करना, हम तो जानते हैं, हम लोग ये जानते हैं कि हमें क्या करना है, 345 को इधर से स्टार्ट करना है, 8 की पावर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें 8 की पावर 1 करेंगे ऐड, और यहाँ पे 8 की पावर 2 करेंगे ऐड कर देंगे, तो 8 की पावर 0 क्या होगा, 1 होता है, और यहाँ पे 8 की पावर 1 यानी कि 8 इंटू 4 होगा यहाँ पे, और यहाँ पे 8 की पावर 2 यानी कि क्या करना है, यहाँ पे 8 8 जा क्या होता है 64 होता है, इंटू 3 करना है, और 64 3 जा कितना होता है, थोड़ा तो सबको सोचना पड़ेगा भाई, 64 3 कितना होता है 192 होता है, और 8 4 जा 32 होता है, 5 1 जा 5 होता है, 192 में आपको 32 ऐड कर देना प्लस 5 ऐड कर देना, टोटल आपका हो जाएगा 229 बेस टू 10। ये बात समझ में आ गई, मतलब आप किसी भी नंबर का आप क्या कर सकते हैं, ऑक्टल से डेसिमल में कन्वर्जन आसानी से कर सकते हैं, कर सकते हैं, अगर कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, आप एक बार फिर से कोई और मैं डिजिट कहे तो ले लेता हूँ, अगर आपको इसमें दिक्कत हो, चलिए एक डिजिट और लेता हूँ, आइए एक और करता हूँ, इसको समझ में आ गया है, एक और करता हूँ फिर तब आगे चलते हैं हम लोग, एक एग्जाम्पल और करते हैं, बाकी डेसिमल में कोई दिक्कत नहीं, अगर डेसिमल में पॉइंट में रहेगा तो कुछ नहीं करना, इधर पावर को बढ़ाना उधर पावर को माइनस करना है, अभी आपको मैं सिखा दूंगा उसके बारे में कैसे करना है, उसको मैं एक अलग से एक क्लास उसकी अलग से ले लूँगा। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं हम लोग, एक डिजिट लेते हैं 2414 जिसका बेस है 8, इसे कन्वर्ट करना है किसमें, एक ऐसे नंबर जिसका बेस कितना होना चाहिए, 10 होना चाहिए, जिसका बेस होना चाहिए 10 होना चाहिए, कोई बात नहीं, 3 डिजिट है कोई दिक्कत नहीं, 214 है, 8 की पावर 0, 8 की पावर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 की पावर 2 से करेंगे, 8 की पावर 0 1 होता है, यानी कि यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, 4 इंटू 1 करेंगे, यहाँ पे 8 इंटू 1 करेंगे, और यहाँ पे प्लस करेंगे 8 8 जा 64 इंटू 2 करेंगे, तो हमें पता है 64 2 जा क्या होता है, 128 होता है, तो 128 प्लस 8 प्लस 4,
ठीक है, तो 128 है और 230 हो जाएगा, और 30 और 38 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब देखिए यहाँ पे 128 है तो इसमें से इनको हम दो और देते तो 130 हो जाएगा, और 130 और 10 140 की बेस 10। बात समझ में आ गई है, बात समझ में आ गई, ठीक है। तो हम लोग और आगे चलते हैं, और आगे हम लोग जो देखेंगे वो देखेंगे, अब हम लोग देखेंगे डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। आइए देखते हैं।